देखो बच्चों, आज हम क्लास 12th में कुछ इम्पॉर्टेंट सर्किट की स्टडी कर रहे हैं। इसमें करंट वोल्टेज के बीच का रिलेशन आदि की स्टडी करते हैं। तो देखिए, नंबर वन है प्रत्यावर्ती एसी परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध आर लगा है। तो एक एसी परिपथ जिसमें केवल और केवल क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध आर लगा होगा, उसकी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हम प्रतिरोध आर को लेकर चलते हैं, ठीक। और इसमें ये वोल्टेज स्रोत एसी का लगा देते हैं। एसी के स्रोत या सोर्स की कॉन्सेप्ट यह होता है, ये प्रतिरोध आर है, इसके बीच का वोल्टेज वी आर के इक्वल होता है। यहाँ पर इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज वी की वैल्यू वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल आ जाती है। ध्यान रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज के करंट की वैल्यू का डायरेक्शन यहाँ पर चेंज नहीं होता है। V इक्वल टू कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी है। तो मैं धारा I निकालूं तो आप जानते हैं कि I इक्वल टू कितना आता है, V अपॉन R के इक्वल आता है। V यहाँ पर कितने के इक्वल हो गया, V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी के इक्वल आ जाता है। वी नॉट अपॉन आई नॉट आर नॉट कितने के इक्वल हो जाएगा, आई नॉट की वैल्यू के इक्वल होगा। तो आई इक्वल टू यहां पर कितना आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल आ जाता है। तो देखिए, इसमें करंट और वोल्टेज एक साथ घटते और बढ़ते हैं। तो इसको अगर मैं साइन कर्व से शो करूं तो साइन कर्व यहाँ पर मेरे पास ऐसा आता है, ये मेरे पास V के इक्वल आ जाता है। तो ये हो गया हमारे पास कितना, V नॉट ठीक जीरो T बाई फोर, ये कितने के इक्वल हो गया, T बाई टू, ये कितने के इक्वल हो गया, 3t बाई फोर, ये कितने के इक्वल हो गया, t की वैल्यू के इक्वल। और करंट या धारा का मान हमारे पास ऐसा चलता है, ये करंट या धारा यहाँ पर ऐसे आती है, ठीक है। तो ये मेरे पास किसको शो करने लगती है, I नॉट के इक्वल और शो करने लगती है, अर्थात धारा एवं वोल्टेज के बीच वोल्टेज के मध्य कालांतर शून्य डिग्री का होता है, डिग्री का होता है। अर्थात जब वोल्टेज बढ़ता है तो धारा का मान भी बढ़ जाता है, वोल्टेज कम होता है तो धारा का मान भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ये दोनों मान एक साथ घटते या बढ़ते हैं। इसको अगर अपन फेजर डायग्राम से शो करें तो
मैं फेजर डायग्राम में ये ऐसा कर लेता हूँ, ये हो गया टी के इक्वल, या एंगुलर पोजीशन मेरे पास यहाँ पर डिफाइन हो रही है। अगर मैं इसको लेके चलूँ तो ये मेरे पास कैसा हो गया, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास वी नॉट, और इसी को अगर हम शो करें तो ये कितने के इक्वल हो गया, आई नॉट के इक्वल आ जाएगा। ये मेरे पास आई हो गया और ये मेरे पास कितने के इक्वल हो गया वी, और किसी टाइम टी पर इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालूं तो ये ओमेगा टी के इक्वल आता है। ये मेरे पास फेजर डायग्राम कहलाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बच्चों, दूसरा सर्किट लेता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ एसी परिपथ जिसमें केवल केवल संधारित्र सी लगा है। तो एसी परिपथ जिसमें केवल क्या लगा होता है, संधारित्र लगा होता है, इसको मैं लेकर चलता हूं। ठीक है, तो इसको लेने के लिए देखिए मैंने क्या कर दिया, यहां पर ये और ये एक संधारित्र लगाया, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया, इसकी वैल्यू सी, इसकी वैल्यू हमारे पास वी सी की वैल्यू के इक्वल हो गई। ये यहाँ पर वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू के इक्वल आ गया। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो माना किसी क्षण टी पर संधारित्र में एकत्रित आवेश क्यों है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज V के लिए कितना आ गया, Q इक्वल टू सी वी, देयरफोर Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी V की वैल्यू कितनी है, V नॉट साइन ओमेगा T की वैल्यू के इक्वल आ रही है। ठीक, तो Q इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा T की वैल्यू के इक्वल आ गया, चूंकि Q इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा T है, इसलिए मैं धारा I निकालूं तो I इक्वल टू कितना आएगा, डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, डी अपॉन डी टी, क्यू कितने के इक्वल हो गया, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल आ गया। सी वी नॉट अगर हमें निकालना है तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी का अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ओमेगा बाहर निकल आएगा, कॉस ओमेगा कॉस ओमेगा टी की वैल्यू के इक्वल आ जाता है।
तो आई मेरे पास कितना हो जाएगा, ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी, यहां पर मेरे पास कितना आ गया, नेक्स्ट पेज में लिखूं तो आई इक्वल टू ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा सी वी नॉट इक्वल टू आई नॉट, इसका डायमेंशन धारा के डायमेंशन के बराबर होता है, तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, धारा का अधिकतम मान या इसी को हम क्या बोल देते हैं, पीक वैल्यू के इक्वल आ जाता है। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये धारा का अधिकतम मान आता है, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू के इक्वल आ जाता है। इसमें मैंने इसको साइन में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या है, धारा का मान वोल्टेज के मान से 90 डिग्री इसमें हमेशा कैसा होता है, आगे होता बढ़ता है। तो मैं यहाँ पर देखूँ V इक्वल टू मेरे पास कितना आया था, V नॉट साइन ओमेगा टी, ये आया समीकरण नंबर एक, और I इक्वल टू कितना आया, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू समीकरण नंबर दो। तो देखिए समीकरण एक और दो से मेरे पास क्या रिजल्ट निकाला, मैंने ये निकाल लिया समीकरण एक एवं दो से स्पष्ट है कि धारा का मान वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है, यानी धारा वोल्टेज से कैसी होती है, 90 डिग्री फॉरवर्ड या आगे हो चलती है। अगर मैं इसको यहाँ पर साइन कर्व में शो करूँ, तो साइन कर्व में मेरे पास, मैं स्टैंडर्ड वी को लूँ, तो V मेरे पास ऐसा चल रहा है, ये 0 T बाई 4 ये हो गया, T बाई 2 ये 3T बाई 4 और ये कैसा हो गया, T के इक्वल हो गया, ये मेरे पास कैसा हो गया V नॉट और ये कैसा हो गया माइनस V नॉट, इसने दिशा बदल दी, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से होता धारा को निकालूं, तो धारा मेरे पास यहाँ पर जो निकलेगी वो 90 डिग्री आगे चलेगी, तो मैं इसको ऐसा शो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास कैसा हो गया, आई नॉट के इक्वल, दिस इज आई, दिस इक्वल टू वी, तो मेरे पास यहाँ पर स्पष्ट होता है कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री कैसे होती है, आगे चलती है। अब भी मैंने आपको ये बताया, यहाँ पर देखिए ये जो I नॉट है वो कितने के इक्वल है, ओमेगा C इंटू V नॉट की वैल्यू के इक्वल है। तो देखिए हमारे पास कितना हो रहा है, चूंकि ओमेगा C
इंटू वी नॉट इक्वल टू आई नॉट, देयरफोर वी नॉट अपॉन आई नॉट इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी। वी नॉट अपॉन आई नॉट क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। वैसे ही हमारे पास ये कितना आ जाता है, ठीक है, चूंकि वी नॉट अपॉन आई नॉट इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सी से शो कर देते हैं ये धारा की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ये प्रतिघात कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसको इंग्लिश में बोलता हूँ मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। और इसकी इकाई, चूंकि यह धारा के ये प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है, इसलिए इसकी इकाई हमारे पास क्या कहलाती है, ओम हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, ओम के इक्वल हो जाती है। तो ये परिपथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सभी छात्र इसको अच्छी तरह से नोट कर लें।